वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है संडे और आज सुबह से हम गर्मी से मर चुके हैं क्योंकि दिल्ली में इतनी ज्यादा गर्मी है, पूछो मत, बहुत ही ज्यादा गर्मी है। आज का दिन मतलब इतना बोरिंग निकला है इस गर्मी में, मतलब हमें लगा शायद दिल्ली में बारिश होगी पर बारिश का तो कोई अता पता ही नहीं है और इतनी गर्मी है लिटरली पूछो मत। और इस गर्मी में तो कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा, क्या करें, क्या बनाएं, क्या खाएं, क्योंकि गर्मी से ही ऐसा लग रहा है कि बस अजीब सा यार फील हो रहा है, पूरा दिन ऐसे निकल गया इस गर्मी में। चलो बनाते हैं मैक्रोनी, मैंने इसका थोड़ा थोड़ा मैक्रोनी खा लेते हैं, तो चलिए बनाते हैं मैक्रोनी। तो सबसे पहले कर लेते हैं मैक्रोनी को बॉईल, इसमें इनको इस पानी में डाल दूंगी और ऐड कर देंगे नमक। तो जब तक मैक्रोनी बॉइल्ड होती है मैं कट कर लेती हूँ टमाटर और प्याज मैक्रोनी में मसाले के लिए। अनियन हो गया था, इसमें मैंने जो चॉप करे हुए टमाटर थे वो मैंने इसमें डाल दिए। मैं इसमें ऐड कर देती हूँ मसाले, नमक मैंने पहले इसमें डाला हुआ था, ये थोड़ा सा मसाला है मिक्स मसाला जो मैंने घर पे बनाया है। मैक्रोनी बॉइल्ड हो चुकी है, अब तो 5 मिनट हार्डली मैं इसको और रखूंगी और फिर मैं इसको इसमें डाल दूंगी। आप सिंपल इसको बॉइल्ड करके और हल्के से ऑयल में अगर आप प्याज डाल दें और इसको फ्राई कर दें उसके साथ में नमक मिर्च डाल दें वैसे भी बहुत अच्छा होता है, बट मुझे पर्सनली और घर में सबको मसाले वाला पसंद है तो इसलिए हम टमाटर प्याज डाल के ऐसे बनाते हैं मसाले, मतलब मसाले वाला। अब ये मेरे टमाटर और प्याज हो चुके हैं, अब मैं इसमें ऐड करती हूँ ये जो बॉइल्ड मैक्रोनी थी, ये मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूंगी क्योंकि अगर हम एक साथ इसको डाल देते हैं तो अच्छे से फिर हम इसको चला नहीं पाते हैं। इसको मैं आधा आधा करके डालूंगी ऐसे। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ विनेगर और ये सोया, इससे जो मैक्रोनी का टेस्ट है ना वो काफी अलग सा हो जाता है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, मुझे अच्छा लगता है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डालूंगी और इससे इसका कलर भी काफी अच्छा आ जाता है।